जय हिंद दोस्तों। तो आज एक और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे मैरीन इंजीनियरिंग नॉलेज का, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए जीपी रेटिंग के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग विल बी यूज फर्स्ट ऑन द स्मॉल फायर इन द इंजन रूम। स्मॉल फायर में हम क्या यूज़ करेंगे दोस्तों, तो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करेंगे। नंबर दो क्वेश्चन है, व्हेन स्टार्ट इंजन ऑन ए डीजल ऑयल बिफोर इंजेक्शन द ऑयल इज हीटेड। कब ऑयल को हीट करेंगे डीजल इंजन स्टार्ट करते समय, तो इफ़ नेसेसरी इन कोल्ड क्लाइमेट, जब क्लाइमेट कोल्ड रहेगा और जब ज़रूरत होगी तभी उसको हीट करेंगे। मेन होल डोर ऑन द टैंक इज फिटेड फॉर द, मेन होल डोर टैंक में क्यों लगाया जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों, अलाउ टू एंट्री टैंक व्हेन विल बी नीडेड, जब ज़रूरत होती है तब अलाउ के लिए लगाया जाता है। द पर्पज़ ऑफ कंप्रेस्ड एयर इन ए डीजल इंजन, आपका ये हो जाएगा स्टार्टिंग इंजन, इंजन को स्टार्ट करने के लिए कंप्रेस्ड एयर की ज़रूरत होती है। नंबर पाँच, क्विक क्लोजिंग वाल्व ऑपरेशन इज कैरिड आउट फ्रॉम, जो क्विक क्लोजिंग वाल्व होता है वो कहाँ से ऑपरेट किया जाता है, तो ये रिमोट लोकेटेड आउटसाइड ऑफ इंजन रूम, इंजन रूम के आउटसाइड से। नंबर छः, इफ़ कूलिंग वाटर बिकोम लेस इन द डीजल इंजन, जब कूलिंग वाटर डीजल इंजन में बहुत कम जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो गेट ओवर हीटेड, तो इंजन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हीट हो जाएगा। नंबर सात, द पर्पस ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल इन ए डीजल इंजन, डीजल इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल का क्या यूज होता है, तो रिड्यूस द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के लिए यूज होता है। नंबर आठ, डेंजर ऑफ लिफ्टिंग हैवी इक्विपमेंट मैनुअली, जब हैवी इक्विपमेंट को हम मैनुअली उठाएंगे तब स्प्रेन यानी मोच आने की संभावना होती है। व्हाट मशीन टूल यू विल बी यूज फॉर ज्वाइनिंग टू प्लेट, दो ब्लेड को जोड़ने के लिए किस मशीन का यूज़ हम लोग करेंगे, तो वेल्डिंग मशीन का यूज़ करेंगे, वेल्डिंग करेंगे तभी ना दो प्लेट जुटेगा। नंबर दस, क्रैंक शाफ्ट इन ए डीजल इंजन, जो क्रैंक शाफ्ट होता है वो क्या करता है, एक ही प्लेस में रोटेटेड करता है, ठीक है। नंबर ग्यारह, सेटलिंग टैंक ऑन ए शिप आर प्रोवाइड फॉर द, ये क्या करता है, तो सेपरेट वाटर फ्रॉम द फ्यूल ऑयल, फ्यूल ऑयल को वाटर से सेपरेट कर देता है सेटलिंग टैंक में। नंबर बारह, पिस्टन इन ए डीजल इंजन, डीजल इंजन का पिस्टन क्या करता है, तो मूव अप एंड डाउन करता है, ठीक है। नंबर तेरह, व्हाट इज़ टू बी चेक्ड ऑन रनिंग डीजल इंजन, जब डीजल इंजन रनिंग करता है तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या चेक करेंगे, तो उसका एग्जॉस्ट टेम्परेचर चेक करेंगे कि कितना टेम्परेचर है। नंबर चौदह, हाई एक्सपेंशन फोम सिस्टम इज सूटेबल फॉर फायर फाइटिंग इन ए इंजन रूम, इंजन रूम में इसका यूज़ किया जाता है। नंबर पंद्रह, ऑन हेयरिंग CO2 अलार्म इन द इंजन रूम योर फर्स्ट एक्शन विल बी, CO2 अलार्म सुनेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूज़ इमरजेंसी एग्जिट टू गेट आउट, इमरजेंसी एग्जिट से भाग जाएंगे। नंबर 16, फंक्शन ऑफ सिलेंडर हेड रिलीफ बल्ब, सिलेंडर हेड रिलीफ बल्ब का यूज़ क्या किया जाता है दोस्तों, तो सिलेंडर हेड में रिलीफ बल्ब क्या करता है, तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है ना, एक्स्ट्रा प्रेशर को रिलीज़ करता है, एक्सेस प्रेशर को रिलीज़ करता है। नंबर 17, सिलेंडर हेड इन ए डीजल इंजन, जो सिलेंडर होता है वो डीजल इंजन का एक ही जगह अपना जगह पर रहता है, वो कभी रोटेट नहीं करता है। नंबर 18, द पर्पस ऑफ टर्बो चार्जर इन ए डीजल इंजन, टर्बो चार्जर डीजल इंजन में क्या करता है, तो इंक्रीज एयर सप्लाई, एयर सप्लाई को इंक्रीज करता है। नंबर 19, रडार ऑफ ए शिप इज टर्न बाई मेंस ऑफ रेम एंड सिलेंडर अरेंजमेंट द्वारा, ये क्या होता है, तो टर्न करता है। नंबर 20, फायर होज इन ए शिप आर मेड ऑफ द स्ट्रॉन्ग कैनवास, स्ट्रॉन्ग कैनवास से फायर होज बना होता है। नंबर 21, UMS स्टैंड फॉर द अनअटेंड मशीनरी स्पेस, UMS क्लास वेसल होती है ऑटोमेटिक वाली। नंबर 22, द पर्पज़ ऑफ फ्यूल ऑयल इन ए डीजल इंजन, ये गिव पावर सप्लाई, पावर सप्लाई देने के लिए ही तो फ्यूल का यूज़ किया जाता है। नंबर 23, विच ऑफ दिस इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ ए लेथ, तो एनविल क्या होता है, तो माइक्रोमीटर का पार्ट होता है। नंबर 24, द पर्पज़ ऑफ इनलेट वाल्व और इस जनरेटर इंजन इज फ्रेश इंटेक, फ्रेश एयर को इंटेक करने में यूज होता है। नंबर 25, एयर स्टार्टिंग वॉल्व इन ए डीजल इंजन, तो ओपन ओनली एट द स्टार्टिंग के टाइम ओपन होता है, उसके बाद उसको क्लोज कर दिया जाता है। नंबर 26, कनेक्टिंग रड इन ए डीजल इंजन, डीजल इंजन का कनेक्टिंग रड ओसिलेटेड करता है, यानी आता है मूव करके फिर आता है।
नंबर 27, बिफोर स्टार्टिंग द डीजल इंजन लूब ऑयल हैंड पंप शुड बी ऑपरेटेड. चेक द लेबल टैंक, टर्न टू द इंजन. सप्लाई लूब ऑयल टू द मूविंग पार्ट में इसको अप्लाई करेंगे. नंबर 28, व्हाट मशीन टूल विल यू बी यूजिंग फॉर कटिंग प्लेट. तो हैक्सो का उपयोग किया जाता है प्लेट को काटने के लिए. नंबर 29, बैलास्ट टैंक ऑन ए शिप आर फिल्टेड अप टू द, ये सी वाटर के लिए ब्लास्ट टैंक का यूज़ किया जाता है. नंबर 30, योर फर्स्ट एक्शन ओपन द फाइंडिंग ए फायर. फायर को जब देखें दोगे तो हम क्या करेंगे, राइज ऑन अलार्म बजाएंगे या फायर चिल्लाएंगे. नंबर 31, क्विक क्लोजिंग वाल्व ऑफ कैन बी रिमोटेड क्लोज इन ए इमरजेंसी में इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे. नंबर 32, ए मशीनरी फेलियर अलार्म इन द रूम इज एक्टिवेटेड बाई द ऑटोमेटिक, ये जब मशीन फेलियर होता है तो ऑटोमेटिक अलार्म बजता है. नंबर 33, वाट इज टू बी द चेक्ड ऑन रनिंग प्यूरीफायर ड्यूरिंग द वॉच. तो देखेंगे कि ऑयल जो है कमिंग और द वाटर साइड में, ऑयल वाटर साइड में तो नहीं आ रहा है. नंबर 34, डिस्पोजल ऑफ यूज एक्सपायर केमिकल कंटेनर शुड बी डन बाई द डिस्पोजल एस मेकर इंस्ट्रक्शन. वो जो डिस्पोजल होता है कंटेनर कैन, उसी में लिखा होता है कि उसको कैसे डिस्पोज यानी बर्बाद करना है. नंबर 35, बिफोर स्टार्टिंग एन एयर कंप्रेसर वी विल बी इंश्योर्ड दैट द वाल्व ऑफ डिस्चार्जिंग लाइन इज ओपन. एयर कंप्रेसर को स्टार्ट करते समय जो डिस्चार्जिंग लाइन है उसको खोल के रखना है, या नहीं कि एयर कंप्रेसर स्टार्ट कर दिए और डिस्चार्जिंग लाइन बंद है तो पूरा भयंकर ब्लास्ट होगा. नंबर 36, जनरेटर इंजन ऑन बोर्ड शिप इज स्टार्ट बाय द कंप्रेस्ड एयर. देखो बहुत लड़के ना क्या करते हैं ना कि एयर कंप्रेसर मारते हैं. अरे बाबू, एयर कंप्रेसर तो एयर बनाता है और डीजल इंजन कंप्रेस्ड एयर से स्टार्ट होता है. तो याद रखिएगा, एयर कंप्रेसर नहीं, कंप्रेस्ड एयर से मारा जाता है. नंबर 37, टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर. कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल फायर लगा है तो आप क्या करेंगे, तो ड्राई केमिकल पाउडर का यूज करेंगे यानी DCP गैस का यूज़ करेंगे फायरिंग एक्सटिंग्विशर का. नंबर 38, साउंडिंग पाइप ऑन ए टैंक आर फिटेड फॉर फाइंडिंग द लेवल ऑफ लिक्विड इन द टैंक. टैंक में लिक्विड को मापने के लिए होता है. नंबर 39, फंक्शन ऑफ क्रैंक रेस रिलीफ डोर. रिलीफ डोर क्या करता है, तो रिलीज द प्रेशर ऑफ क्रैंक रेस. क्रैंक रेस के प्रेशर को क्या करता है, रिलीज करता है. नंबर 40, वेल ए डीजल इंजन इज ऑपरेटिंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रेशर टू बी चेक. डीजल इंजन में क्या चेक करेंगे, तो ऑपरेट कर रहा है तो एग्जॉस्ट गैस चेक करेंगे, यही ना. वाट मशीन टूल विल बी यूजिंग फॉर कटिंग ए ज्वाइंट. तो ज्वाइंट को कटिंग करने के लिए पिछली दफ़ा भी बताया था सीजर कैंची का यूज होता है. नंबर 42, थ्रस्ट ब्लॉक ऑफ ए मेन इंजन इज फिटेड ऑफ आफ साइड ऑफ ए इंजन. इंजन के आफ साइड में थ्रस्ट ब्लॉक होता है. नंबर 43, पर्पज ऑफ फ्रेश वाटर सर्कुलेशन थ्रू द डीजल इंजन सिलेंडर इज टू बी रिमूव द हीट ऑफ कंबसन, यानी कंबसन हीट को रिमूव करता है. नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट. स्टेयरिंग गियर इज लोकेटेड आफ्ट पार्ट ऑफ ए शिप, ये राइट आंसर है. द पर्पज ऑफ द एग्जॉस्ट वाल्व ऑफ ए जनरेटर. एग्जॉस्ट वाल्व का यूज क्या होता है, तो कंबशन ऑफ गैसेस. नंबर 46, वाट मशीन टूल विल यू बी यूजिंग मेकिंग द एग्जॉस्ट होल. देखिए एग्जॉस्ट होल बोलेगा तो लेथ मशीन, और सिर्फ होल बोलता है तब ड्रिल मशीन होता. 47, टर्निंग गियर ऑफ ए मेन इंजन इज प्रोवाइड बाय द टर्निंग द इंजन ड्यूरिंग द ओवरऑल. वॉच कीपिंग, वाट विल बी चेक ऑन द पंप दैट ऑपरेशन. एक पंप ऑपरेशन में है, पंप चल रहा है तो उसमें सक्शन एंड डिस्चार्जिंग प्रेशर को हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे. डीजल इंजन बियरिंग विल बी गेट डैमेज इफ सप्लाई इज नॉट इनफ. अगर हम डीजल इंजन के बियरिंग में लुब्रिकेटिंग ऑयल प्रॉपर नहीं डालेंगे तो वो डैमेज हो जाएगा. ड्यूरिंग द लेथ वर्क गगल प्रोटेक्ट योर द आई फ्रॉम मेटल चिप्स. चिप्स उड़ के आएगा मेटल का तो आँख में लगेगा तो वो हमको उससे प्रोटेक्ट करता है. विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रोवाइड फॉर द कनेक्टिंग टू श्योर वाटर सप्लाई. तो इंटरनेशनल श्योर कपलिंग का यूज किया जाता है बाहर से वाटर लेने में. टू मेक ए न्यू फ्लेंज यूर प्रोवाइड बाई द वेल्डिंग मशीन एंड नहीं ग्राइंडिंग हैमर. ग्राइंडिंग मशीन एंड ड्रिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन और ड्रिलिंग मशीन का हम लोग यूज़ करेंगे. एयर वेंट टू द प्रोवाइड फॉर द प्रिवेंट द बिल्डअप प्रेशर ऑफ वैक्यूम. वैक्यूम ना बनाए इसीलिए किया जाता है.
सबमिट करते हैं, देखते हैं हम लोग का स्कोर कितना आता है दोस्तों। हाँ तो हम लोग का 53 में 51 स्कोर आया, इसका मतलब हम लोगों ने 2 क्वेश्चन गलत कर दिया है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा 2 क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों गलत हुआ है। तो एक रेड इधर शो किया है। वाइल डीजल इंजन इज ऑपरेटिंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रेशर चेक, लुब्रिकेटिंग ऑयल का प्रेशर चेक किया जाता है, ठीक है, हमने एग्जॉस्ट प्रेशर मार दिया था। द मेक ए न्यू फ्लेंज, न्यू फ्लेंज बनाने के लिए लेथ मशीन और ड्रिल मशीन का यूज़ होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यही एक वीडियो थी, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी इंक्वायरी हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।